सच बता रहा हूँ, इसका जो साइज है ना, इसमें से ऐसे निकल जाऊंगा किसी ने सोची नहीं होगी। स्पेशली 200 किलोमीटर आया हूँ भाई मैं, लग रहा है साला पबजी खेल रहा हूँ। और अपन लैंड कर रहे हैं, देख लो व्यू देखो एक बार, क्योंकि भाई ऐसी जगह दोबारा दोबारा आया नहीं जाता, इसलिए कवर करते चलो। पता है वो लड़की कहाँ से गई? ये रेलिंग दिख रही है, इसको क्रॉस कर गई जबकि। हाँ जी, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई प्रसाद ले लिया है, निकल लिया है, नहा धो के रेडी पूरे, क्योंकि जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा मंदिर में होगी भीड़। बाकी एक बार पहले दर्शन कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसके बाद आज का शेड्यूल मैंने रात को ही बता दिया था। यहाँ से फ्री होके फिर निकल रहे हैं अपन, क्या नाम है यार, हर्ष पर्वत। लो जी, दर्शन हो गएंगे अपने, प्रसाद भी चढ़ा दिया। और भाई हमें ज्यादा में कितने बजे लगे थे लाइन में अपन? साढ़े सात बजे लगे थे। और अब हो रहा है टाइम देख लो एक बार, टाइम हो रहा भाई 8:59, यानी कि 9 ही बज गए पूरे पूरे। अब अपन निकल रहे हैं सीधा अपनी धर्मशाला, जहाँ पे अपन ने रात को स्टे किया था, क्योंकि घर वालों ने सबने दर्शन कर लिए और वो आगे पीछे हो रहे हैं सारे सारे, और वो तो बस से आएंगे भाई, अपन को निकलना है बाइक से। तो धर्मशाला चल के अपने पहले जहाँ पे स्टे लिया था वहाँ पे ले रहे हैं भोजन, देन उसके बाद फिर अपन को निकलना है सीधा हर्ष पर्वत। निकल लिए आएंगे भाई, बस घर वालों को खाना वाना खिलाने में और खुद खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बाकी हेलमेट नहीं लगा रखा, क्योंकि हेलमेट रखा था अपन ने रात को बस में, जो अपने घर वाले आए हुए हैं जिस बस से, उसी बस में हेलमेट रखा हुआ, तो वहाँ से बस हेलमेट उठाना है और फिर सीधा निकल रहे हैं अपन हर्ष पर्वत। लो जी, ले लिया आएगा हेलमेट, अब निकल रहे हैं अपन सीधा दोस्त के पास, क्योंकि मैं उसको बाहर ही खड़ा करके आया था। लिटरली सच बता रहा, पार्किंग इतनी बड़ी है, देख लो इतनी बड़ी पार्किंग है ना, और यहाँ पे कोई लैंडमार्क भी नहीं, आपको याद नहीं रहेगा, नेचुरल मतलब कुछ नहीं है, पेड़ झाड़ी है और बाकी ये पूरा रेगिस्तान वाला ग्राउंड है, बस कुछ नहीं, पता नहीं लगेगा। अगर रात में कोई बंदा गाड़ी खड़ी कर जाए ना, मैं कह रहा हूँ बंदा सुबह ढूंढ ही नहीं सकता, अगर कोई ढंग की सी निशान ना लगा के जाए कि हाँ भाई मेरी गाड़ी के पास कुछ ऐसा निशान था या फिर कुछ ऐसा था, वही नहीं ढूंढ सकता। बाकी अपन को तो मिल गई अपनी बस और हेलमेट में ले लिया, अब निकल रहे अपन सीधा राजकुमार के पास, फिर वहाँ से उठा रहे हैं गाड़ी और फिर सीधा निकल रहे हैं हर्ष पर्वत। भाई साहब जगह है क्या, तारीफ तो बाद में करूँगा, पहले मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक जगह है और घाटी ही घाटी है, बावन मोड़ की घाटी है, वो रास्ता दिखेगा आपको, चलेंगे ना तो एक नंबर व्यू दिखेगा। पहले बैग साथ ही ले चलते हैं यार, है ना, बस में तो क्या ही रखेंगे, चल तो पीछे हो भाई। 5 किलोमीटर कवर कर लिया है और जीण माता से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, टोटल मतलब जीण माता से 15 किलोमीटर पड़ता है ये रूट। और ये देख लो पहुंच ही आएंगे, पहुंचे तो नहीं है, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये देखो वहाँ चलना है भाई, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हो रहा है, 5 किलोमीटर अपन ने कवर कर लिया और टोटल जीण माता से पड़ता है 15 किलोमीटर। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो नॉर्मल रास्ता चल रहा था, मेन घाटी और मेन चढ़ाई आने वाली है अब, तो टाइम लैप्स देखो अब, फिर घाटियों के टाइम लैप्स बनाता हूँ मस्त वाले। हाँ रख दे। लो भाई फाइनली वी रीच्ड, पहुँचे नहीं अभी, मंदिर नहीं पहुँचे, मंदिर यहाँ से जस्ट अभी हार्डली 200 या 300 मीटर होगा, लास्ट आधा किलोमीटर बाकी, हमने यहाँ रोक ली थी क्योंकि अभी ये जो टर्बाइंस हैं एयर, ये है दूर, तो यहाँ से भी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, दो चार वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, इनके पास वाला व्यू दूंगा आपको वहाँ चल के, बाकी पहले एक दो वीडियो और फोटोज ले लेते हैं। बाकी एक बार ये देखिए भाई क्या चीज़ है, ये आपको कैमरा में इतना नहीं हो पा रही होगी, नहीं दिख पा रहा होगा भाई, सच बता रहा हूँ ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये देखो। लो जी फोटो सेशन हो गया, रील्स बना ली एक दो, अब चल रहे हैं पास, पहले मंदिर होके आ रहे हैं उसके बाद चलेंगे इनके पास, यहाँ से दिखाता हूँ मतलब बिल्कुल पास वाले भी दिखाता हूँ, मैंने खुद भी नहीं देखा और आपको भी दिखा। लो भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दी नीचे की साइड और अपन आ गया व्यू पॉइंट पे, अब दिखाता हूँ यहाँ से चारों साइड का व्यू, चारों साइड का व्यू क्या ऐसा लग रहा है साला पबजी खेल रहा हूँ। और अपन लैंड कर रहे हैं, देख लो व्यू देखो एक बार, और इधर ये लगे हुए हैं टर्बाइन, वो लग रहे चारों तरफ लगे हुए हैं, इस साइड भी उस साइड भी, देखो यहाँ के लग रहे, ये लग रहा है, ये देखो कितना बड़ा है, साइज देखो एक बार। स्पेशली 200 किलोमीटर आया हूँ भाई मैं जीण माता के, तो हालांकि हम हर बार आते ही हैं और सिर्फ टारगेट मेरा जीण माता के आना होता ना तो भाई मैं बस में ही आता, लेकिन मैं बाइक से स्पेशली इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता है हर्ष पर्वत का, ये है सिर्फ घाटियों की घाटियों में से बहुत भयंकर, 15 किलोमीटर की सिर्फ घाटियाँ ही घाटियाँ, मैंने अभी जो व्यू दिखाया था ना उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस हाई एल्टीट्यूड पर हैं। बाकी भाई मैं स्पेशली किस चीज़ के लिए आऊँ, इसके लिए सच बता रहा हूँ, इसका जो साइज़ है ना भाई कैमरा में जस्टिफाई नहीं होगा, ना ही आपको अंदाजा लगा पाओगे कि कितना बड़ा साइज है, पर लिटरली सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा साइज है भाई इसका। और एक चीज़ और, ये है ना मूवेबल है, मतलब कि ऐसे तो ये रोटेट हो ही रही है, मतलब इस साइड से और इस साइड से कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी जो ये वाली ये है ना, ये मतलब जो पंखड़ी जहाँ पे टच हुई है, मतलब ये ऐसे भी घूम सकता है, मतलब जब हवा चलती है ना
तो ये नहीं कि सामने की हवा आ रही है तो ही घूमेगी, अगर इधर से हवा आ रही है तो ये अपने आप को ऐसे रोटेट, मतलब 360 पे कैसे भी रोटेट हो सकती है ये वाला, इधर 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 कैसे भी, क्योंकि हवा तो चेंज होती रहती है ना, तो उसी हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। बाकी चारों तरफ लगी हुई है, देखो ये लग रही है इसके पीछे, देखो मंदिर के पीछे से वो दिख रहा होगा, इस साइड पीछे और लगी हुई है, और इस साइड ही नहीं बल्कि उस साइड भी है, देखो वहाँ पे लगी हुई है। बाकी यहाँ पे कभी भी आना हो ना, इसका सबसे बेस्ट सीज़न बताता हूँ आपको, मानसून सीज़न में, क्योंकि राजस्थान में तो भाई कभी भी कहीं पे भी टूर करना हो ना आपको, अगर एक्सप्लोर करना हो तो भाई मेरा सजेशन है कि राजस्थान में हमेशा एक्सप्लोर करो मानसून सीज़न में, क्योंकि राजस्थान का सबसे बेस्ट सीज़न होता है मानसून सीज़न। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और उस साइड देखो एक बार आप, ये जो टर्बाइन है ना, ये देखो कितना बड़ा साइज़ है इनका, और उसके बाद ये देखो पीछे दिख रहा है वो पूरा की पूरा एरिया है ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है हम कितने हाई एल्टीट्यूड में, बट मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार से तो ऊपर है आराम से, 2-3 हज़ार फिट ऊपर है आराम से। तो यार बता भाई, अभी एक सीन बताता हूँ, एक कपल था, पहली बात तो भाई ये मंदिर वंदिरों पे भी साले कपल पहुँच जाता ना, बहुत बेकार लगता है मेरे को, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई तुम्हें यहाँ पे आके भी बाबू सोना ही करना है, इस वाली छतरी नीचे ना वो काफ़ी देर से खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो उतरे ना, पता है वो लड़की कहाँ से गई, ये रेलिंग दिख रही है इसको क्रॉस कर गई, जबकि वहाँ से वो देखो वहाँ से गेट है क्या, अरे मैंने मुंह पे ही बोल दिया उसके कि जब गेट है गया इतना बड़ा तो भाई क्यों ही डंडे कूदना है, मुझे पता है मुझे पता है भाई तुम्हें डंडे कूदने की आदत है, लेकिन चारों तरफ नजर मार के देख तो लो भाई कहाँ से, मेरे को लगता है वो आई भी सी ऐसे डंडा कूद के होगी, क्योंकि गई यहाँ से तो डंडा कूद के आई भी होगी, और सामने गेट है बताओ, आज के मैं कुछ ना दिखा भाई, अरे यार इतना हाई अल्टीट्यूड पे है ना, राजस्थान है भाई मार्च चल रहा है, आपको पता है राजस्थान में किस कदर गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो हवा चल रही है ना, चिल्ड हवा चल रही है बिल्कुल, और यहाँ से व्यू देखो यार। हाँ जी भैया कैसा है व्यू भाई? बहुत शानदार व्यू है, मजा आ गया यहाँ पे आके भाई। मैं तो पहले आ चुका हूँ मैं है ना, लेकिन मैं आया था, मेरे को आए हुए ज्यादा भी ना, तकरीबन मुझे हो गए 8-9 साल, क्योंकि लास्ट 2 साल से तो वैसे नहीं आ रहे लॉकडाउन के चक्कर में, इस बार आए हैं जीण माता के, और जब लास्ट टाइम आए थे जीण माता के, तो जब जीण माता के होते हुए यहाँ पे आए थे ना, हर्ष पर्वत मंदिर है वो देखो, हर्ष बाबा का मंदिर है उस साइड, तो यहाँ पे जब हम आए थे तब आए थे फैमिली के साथ ही आया था मैं, और उन बातों को हो गए भाई 8-9 साल हो गए इजीली, मेरे को याद भी नहीं था, गूगल से आया मैप से, मतलब नेविगेशन ऑन करके आए हैं, रास्ता वास्ता पूछ पाछ के, लिए इनको इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जीण माता के जब हम जाते हैं तो वहीं से रास्ते निकल रहे हैं, कोई भी इजीली बता देगा, और बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं भाई इतना तो पढ़े लिखे हैं कि हिंदी में बोर्ड पढ़ लें, तो बस वो देख देख के आ गए। बाकी भाई लिटरली सच बताना, जो व्यू है ना यहाँ का, और यहाँ पे आके जो सुकून मिलेगा आपको, व्यू देखो यार, ये देखो व्यू भाई, वास्तव में है ना अल्टीमेट। हाँ भैया आप तो पहली बार आए हो, आपको कैसा लग रहा है बताओ, कुछ कैसा फील कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं मैं, बोलो कुछ बोलो, अरे भैया रोस्टर हो आप, कुछ तो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, स्लोमो रील बनाया, चल आ जा तो आ जा। बाबू सोना की आवाज़ कहाँ से आ रही है लग रहा है मेरे को, देख सैंडल वैंडल पड़े हुए हैं, और भाई ये कैसे लम लेट हो रहे हैं यार, यहाँ के जितने मैं बंदर देख रहा हूँ या लंगूर देख रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है सभी को मातम छाया पड़ा है भाई, सभी का ब्रेकअप हो रहा है। ये देखो एक ये पड़ा भाई, इसको पता नहीं किस चीज़ का कम है, इनके हालांकि सभी को देख रहा हूँ मैं, जितने भी बंदर देखे ना सभी, उधर दिखाऊँ ये देख लो, ये पड़े 2-3 भाई, इनको अलग ही काम है। ऐसा नहीं होता जैसे कि जब घर वाले बाहर जाते और 10 रुपये दे के नहीं जाते चीज़ खाने के लिए, तब होता है ऐसा। और क्या यार, ज़्यादा फोटो खींच के भी फिर एक ही लोकेशन की कितनी फोटो कितनी रील्स बनाए, तो भाई एक मिनट म्यूजिक बंद करना यार, तो भाई निकल लेंगे, फोटो सेशन हो गया अपना, रील्स वगैरह शूट कर ली, और मतलब इन्जॉय कर लिया व्यू भी, काफ़ी देर रुक भी ली हम, मंदिर पे दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी चढ़ा दिया, बैग में रख दिया प्रसाद, बाकी मंदिर साइड की मैंने वीडियो बनाई नहीं, शूट किया नहीं कुछ, बाकी भाई अब निकल लेंगे यहाँ से। तो अब अपन फिलहाल एट प्रेजेंट है हर्ष पर्वत, हर्ष बाबा का मंदिर पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ से निकल रहे हैं अब, तो यहाँ से उसी रूट से चलना पड़ेगा अपने को जीण माता होते हुए, तो जीण माता यहाँ से पड़ती है वापस 15 किलोमीटर, देन उसके बाद फिर देखेंगे, हो सके तो अगर खाटू श्याम जी जाएंगे तो फिर देखते हैं, बाकी अगर मतलब टाइम का इशू, वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, टाइम हो रहा है अभी 1:26 यानी कि 1:30 बजे हैं, तो अगर हम 2 बजे तक जीण माता पहुँच गए आधे घंटे में, तो फिर देखते हैं अगर रहेगा टाइम लगेगा कि हाँ भाई जा सकते हैं, तो फिर अपन निकलेंगे सीधा खाटू श्याम जी। बाकी सोचा तो ये 99% हमारा प्लान है कि चलते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ेगा ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ये खड़ी हुई बाइक अपनी, आ जा आ जा आ जा, जल्दी बैठ, चल रहा लेट हो गया भाई, खाटू श्याम जी चलना है ना तो जल्दी पहुँचना पड़ेगा अपन को, चले फिर चल पकड़, ऐसे कैसे पकड़ कर, तो जी फिर से घाटियाँ शुरू,
आधी बार तो पहले गियर में आई थी गाड़ी, दूसरा तो लगा भी नहीं था, बाई चांस लगा था कभी कभी, इतनी खड़ी चढ़ाई है। लेकिन अब भाई है, अब भी पहले गियर में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी भाई अपन को इंजन ब्रेकिंग ही काम में लेनी पड़ेगी, नॉर्मल ब्रेक्स लगते नहीं है। हाँ चढ़ा दे, आ जा चढ़ा दे, साथ है, अपनी साइड ही नहीं देख रहा, वन वे वैसे और हमारे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। बाकी निकलते हैं भाई, इस वाले टावर पे चलना तो बनता है यार एक बार भाई, बोल क्या कहते हो, चले फिर लगा दूं गाड़ी, व्यू तो देख लेते हैं यार एक बार, आए हैं तो भाई, क्योंकि बार बार तो आना होगा नहीं, देख भाई ऐसी जगह है ना, हाँ जो भी है, तुम्हें कोई भी चीज़ पड़े छोड़ने का नहीं, क्योंकि भाई ऐसी जगह दोबारा दोबारा आया नहीं जाता, इसलिए कवर करते चलो। अब यहाँ जाके भी देख लेते हैं एक बार कैसा व्यू आता है, हालांकि अपन ने तीन चार व्यू पॉइंट तो ऑलरेडी कवर कर दिया है, और ये ज़्यादा कुछ मैचिंग का नहीं हो रहा क्या, ग्रीन ग्रीन, तुम गलत मत सोचना, भगवान हारी हूँ ऐसे में। भाई मैंने सोचा ऊपर आके व्यू लूंगा, व्यू नहीं है, ये देखो व्यू नहीं, बार बना रखा भाई, दिख रही है कितनी बॉटल्स पड़ी हुई है बियर की, दारू की, धे पार्टी, और ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे दिखाऊं, ये देखो पत्थर है ना पत्थर, भाई सफेद पत्थर को सफेद नहीं छोड़ा साले, वो ग्रीन कर दिया बियर फोड़ के मैं से ऐसे निकल जाऊंगा, किसी ने सोची नहीं होगी, तुम्हारी तरह जानवर थोड़ी हूँ साले। ओ भाई हेमलेट ऐसे की तैसे करवाने ना तू, ये लो चल दिए, हेलमेट छोड़ दिया यहीं पे। तो भाई जी अपना फोटो सेशन हो गया भयंकर, अब नहीं रोक रहा मैं गाड़ी कहीं पे भी, भाई फोटो खींच ली, रील्स बना ली जितनी बनानी थी, अब हो गया कोटा पूरा ओवरलोड होगी फोटो और रील्स की, बाकी अब निकल लिए आएंगे भाई, और अब चल रहे हैं अपन सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे। बाकी भाई इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता ये वाला व्लॉग कैसा बना और कितना बड़ा बना, इसलिए इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। बाकी अगर बना सीन मैंने बता दिया था आपको, अगर सीन बना टाइम रहा अपने पास तो खाटू श्याम जी जरूर चलेंगे, वरना फिर सीधे अपने अलवरी जाएंगे। अगर मैं खाटू श्याम जी गया तो फिर उसका नेक्स्ट व्लॉग मैं कर दूंगा स्टार्ट अगर मुझे लगेगा तो, बाकी अगर नहीं बना तो फिर अपन सीधा घर ही चलेंगे, तो उसके बाद क्योंकि अब टाइम रहेगा नहीं बिल्कुल भी, अब नॉन स्टॉप, क्योंकि घर वाले हमसे 1.5 घंटा पहले निकल चुके हैं। अब भाई हम घर वालों के साथ साथ निकले थे उस टाइम तकरीबन 10:30-11 के आसपास हो रहा था, और अभी टाइम देख लो आप 1:43, यानी कि 2:45 बज चुके हैं, और भाई घर वाले तो निकल भी लिए, वो तो खाटू श्याम जी जाएंगे भी नहीं, तो हमें भी उन्हीं के आसपास पहुंचना है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वरना फिर भाई घर वालों के पता ही आपको पापा लड़ेंगे, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि पापा वैसे गुस्सा थे जब मैं बाइक से आया था। बाकी इस वाले व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म, बाय।